हमारे इस चैनल भोजपुरी नाच नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हाँ मेरे दोस्तों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप लोग हमारी कंपनी गंगा कैसेट जो कि दुनिया के चारों कोनों में तहलका मचा देने वाली कंपनी के द्वारा आप लोग देख चुके हैं, आज गंगा कैसेट दिल्ली के माध्यम द्वारा हमारी पार्टी का ये जो रंगारंग प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, एक्टिंग एक्शन से भरपूर, नाच गाने से भरपूर, मालधार से भरपूर सामाजिक एवं पारिवारिक तमाशा पेश किया जाएगा। आज की रात हमारी पार्टी का शानदार प्रोग्राम चूनर का दाग उर्फ डाकू लहना से। तो दोस्तों, चूनर का दाग उर्फ डाकू लहना। मंत्री कृपाल सिंह महाराज, हमारे चुनारगढ़ राज्य का क्या समाचार है? सम्राट, प्रजा खुशहाल है, रिया में कोई परेशानी नहीं, और सब अलग यह आपका गुलाम मंत्री कृपाल सिंह जीवित रहेगा, प्रजा को खुशहाल रखूंगा, और प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। राजन मंत्री कृपाल सिंह, मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि हमारे शासनकाल से हमारे चुनारगढ़ की प्रजा हमेशा खुशहाल रहेगी। क्यों नहीं सम्राट? कृपाल सिंह, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत राज वैभव सब कुछ मिला के, और मुझे ईश्वर ने एक बेटी भी दिया है, लेकिन कृपाल सिंह अफसोस तो मुझे यह है कि ईश्वर ने मुझे एक बेटा नहीं दिया, जिससे मैं हमेशा गमगीन रहा करता हूं। और कृपाल सिंह, इसी वक्त फोन करके बॉर्डर से सेनापति सवाल सिंह को बुलाया जाए। सम्राट, ऊपर वाले ने सब कुछ मुहैया किया। हाँ, ऊपर वाले ने आपको एक पुत्री भी दिया है। आपकी पत्नी का जब से स्वर्गवास हो गया, आपने पालन पोषण की जिम्मेदारियां सेनापति यशपाल सिंह की पत्नी सुंदरी के ऊपर सौंप दिया है। हाँ मंत्री कृपाल सिंह। महाराज, अगरचे आपको ऊपर वाले ने पुत्र दिया होता तो ताजो तख्त का वारिस बनता, लेकिन पुत्री तो दिया है, वही पुत्री राजकुमारी गुलशन जब सयानी होगी ताज व तख्त संभालने के योग होगी, तो आपके महल में चिराग भी जलेगा और आपका नाम भी रोशन होगा। आप चिंता मत कीजिए। पाल सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हर इंसान के दिल में यही अभिलाषा रहती है कि ईश्वर अगर मेरे एक पुत्र होता तो मेरी बुढ़ापी का इशारा होता। सम्राट, तो रंजित करिए अपने जिगर दरमियां, लिखा पिटका कभी मेट पाता नहीं, पुत्र पुत्री में अंतर है कुछ भी नहीं, और इस कदर कोई दिल को दुखाता नहीं। हाँ, पुत्र पुत्री में अंतर है कुछ भी नहीं, और इस कदर कोई दिल को दुखाता नहीं। सम्राट, आपकी बेटी राजकुमारी गुलशन जब सयानी होगी, आपके न रहने के बाद रियासत की बागडोर राजकुमारी गुलशन के हाथ में होगा, आपका नाम भी रोशन होगा
और आपके महल में चिराग हमेशा जलता रहे। मंत्री कृपाल सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मुझे सब नहीं है। दिल में ही सोचता हूं कि ईश्वर अगर मेरे एक पुत्र देता तो इस राज का वारिस होता। क्यों नहीं सम्राट, आज ही मैं सेनापति जसपाल सिंह को फोन करवाता हूं। हाँ कृपाल सिंह। और आप चिंता में डूबे ही जा रहे हैं, और फोन करके यशपाल सिंह को बुलवाऊंगा, और आपकी दिल की परेशानियां धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी। ठीक है कृपाल सिंह, बहुत जल्द बाड़े से सेनापति यशपाल सिंह को बुलाया जाए। दरबारी। हाँ जी। दरबारी। सम्राट, सेनापति यशपाल सिंह को याद किए हैं। हाँ। और यशपाल सिंह देश की रक्षा के लिए सीमा पे तैनात है। यशपाल सिंह को फोन कर दो और फोन पर बोल दो क्या सम्राट दरबार में याद किए हैं, बहुत जल्द आकर के दरबार में हाजिर हों। ओ भाई। ओ जी। ते साहब को फोन लाओ। फोन नंबर लाओ। और फोन नंबर मैंने तुझे दे दिया था यार। हमका काज है यार, मजाक कर रहे हो। देख जरा अपने थैले में। थैले में और क्या। ओ की हो गया। और तेरे सारे थैले कट गए। अबे कहनो दुइनो जी अपन कहाँ ले गया। फोन नंबर ले गया, 3 लाख रुपया रखे रहे वहू का ले गया। अच्छा एक बात सुन लो। का रुपयन के कोनो गम नहीं, चाहे 10-20 लाख रुपया चला जाए, अगर फोन नंबर गायब हो तो तुम्हारे मौत है। रुक जाओ यार, साहब को याद होगा, साहब से पूछे। हाँ, साहब से पूछो। साहब सेनापति जी का नंबर क्या है? क्या बोला? सेनापति जी का नंबर क्या है? सेनापति का नंबर नहीं, का फोन नंबर। फोन नंबर ये क्यों नहीं बोलता? वही फोन नंबर। सेनापति यशपाल सिंह का फोन नंबर 226-001। का कहीं नो? अरे सुना नहीं? का कहीं तो हम ना तो ना हम नहीं। ठीक है, नंबर है क्या है? हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं ना, पचाए में 5 बार फेल हैं। पता नहीं कहा आप कह लेंगे तो हम ना तो ना हम। थे देहाती में बताओ, समझ नहीं पावा। साहब इसे हिंदी में बता दो। सेनापति यशपाल सिंह का नंबर। हाँ बताओ। उनका फोन नंबर। हाँ। 226 और 001। सुनियो। सुन ली यार, 226-001। ठीक है, अबे तो कहा तो हम ना तो ना हम। अब इंग्लिश चकर ही लगे। अरे यार आई एम पढ़ा लिखा लगा। यू आर लंच गवा रहे एकदम। हाई स्कूल पास हुआ। हाई स्कूल तोरे यहाँ हाई कहा जी? हमारे यहाँ हाई कहा। हाँ इंग्लैंड से आवत तुम। नंबर बताओ। हम तो भी लिंटर फेल हो गई। लिंटर फेल हो गई। लिंटर की इंटर यार। तोरे यहाँ इंटर कहा जी? मैं लिंटर कहा। हाँ यार नंबर बताओ। फिर भूल गये। चलो उल्टा सीधा मिलाई, कौन हमारा पैसा जात है यार? यार एमा टवर ही नहीं ना। हाँ। 3 खूंटी हो तो काम हो, एक खूंटी नहीं ना। पकड़ ले 12 बंकी वाली खूंटी। तीनों खूंटी पकड़ ली थी। तीनों को छोड़े ना पकड़े रहे। मांगेगा
हेलो हेलो, गाना सुनाया यार। कौन? सेनापति यशपाल सिंह। हेलो हेलो, मैं राज दरबार से मोहनचवा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या काम है साहब? आपको महाराज राज दरबार में याद किए हैं और जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हो। कोई जरूरी काम? जी सर, कोई जरूरी काम है इसलिए आपको बुलाया गया। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग महाराज। सेनापति जी बहुत जल्द दरबार आ रहे हैं। हुजूर, सेनापति यशपाल सिंह। महाराज, मैंने तुम्हें बारह से राज दरबार में किस लिए बुलाया है लो सुनो, मैं बता रहा हूं। तो सेनापति अपनी पत्नी को बुला, सेनापति कहना वो साथ में गुलशन को लाएगी। आज से मेरी बेटी महल में रहे, मुझसे इनाम कुछ सुंदरी पाएगी। सेनापति यशपाल सिंह, जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि अपने बंगले पर जाकर अपनी पत्नी सुंदरी व हमारी बेटी गुलशन को राज दरबार में बुला लियो। तो सह जाता हूँ फौरन बुलाने उसे, शाह जाता फौरन बुलाने उसे, आपका हुक्म जा कर बजाऊंगा मैं। आप चिंता न करिए महाराज जी, सुंदरी को अभी साथ लाऊंगा मैं। दिल में चिंता न करिए भाई महाराज जी, सुंदरी को अभी साथ लाऊंगा मैं। महाराज, आपकी बेटी गुलशन व सुंदरी को साथ में लेकर आपके समक्ष पेश हो रहा हूं। जयसपाल सिंह, हम तुम्हें आदेश देते हैं। स्वागत किया राजन। मंत्री कृपाल सिंह महाराज और सेनापति यशपाल सिंह, तुम दोनों मेरे दरबार के वफादार मुलाजिम हो। क्यों नहीं सम्राट? तुम लोगों पर मुझे फक्र है, तुम लोगों पर मुझे घमंड है कि मैं जितना आदेश करूंगा तुम लोग हमारे आदेश का पालन करो। क्यों नहीं सम्राट? आज मैंने अपने दिल में सोचा है कि सेनापति यशपाल सिंह की पत्नी सुंदरी ने हमारी बेटी गुलशन का लालन पालन किया है, उसके एवज में हम सुंदरी को पहाड़ी का किला इनाम देना चाहते हैं। इसलिए कृपाल सिंह, तुम्हें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। सम्राट, जब सुंदरी दरबार में हाजिर हो तो आप जैसा इनाम देना चाहे राजन वैसा इनाम देना। मैं केवल तुम्हारी सलाह जानना चाहता था। क्यों नहीं सम्राट?
सुंदरी वक्त आपके समक्ष आ रहे हैं। सुंदरी, मैंने तुम्हें राज दरबार में किस लिए बुलाया है? सुनो सुंदरी, मैं बता रहा हूं। क्या बात है राजन? तो दम महाराज इंगला कल करा था जब दमो महारानी दम महारानी इंगला का निकला था जब उस समय बेटी गुलशन थी छह माह बाला तूने अजब ढंग से सुंदरी पुत्र सुंदर की कोई न परवाह सुंदरी तुमने हमारी बेटी गुलशन की फरोश किया है तुम्हारा एहसान मेरे सर पर नहीं राजन इस एहसान की क्या बात है मैं तो आपकी एक दासी हूं जो मेरा फर्ज था वो मैंने कर दिखाया है हर नारी का फर्ज होता यही कर दिया साथु बेटे के गुलशन पाला अगर साथु बेटे के गुलशन पाला अगर हुक्मरान साथु में क्या साधु बेटे के गुलशन पाला अगर हुक्मरान साधु में क्या कमाल कर दिया साधु बेटे सुंदरी तुमने हमारी बेटी गुलशन की परवरिश किया के ईशान किया गया तुम्हारा ईशान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे नहीं राजन और गुलशन की परवरिश के एवज में सुंदरी हम तुम्हें आज पहाड़ी का किला इनाम दे रहे हैं सेनापति इकबाल सिंह जाओ हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम अपनी पत्नी सुंदरी व अपने बेटे सुंदर के साथ उसी पहाड़ी के किले में रहो और वहीं से बॉर्डर की देखभाल करती रहे राजन मैंने बेटी गुलशन की सिर्फ परवरिश की है मैंने उसे कभी अपना दूध नहीं पिलाया और पाल पोस कर उसे इतनी बड़ी सयानी कर आज आपका हुक्म है आपकी बेटी कॉलेज गई हुई है अगर वो कॉलेज से लौट कर आएगी तो मैं आपके पास अवश्य भेज जाऊं ठीक है सुंदरी मेरी बेटी कॉलेज गई है जब कॉलेज से वापस आ जाए तो उसको लेकर तुम हमारे महल में उसे लाकर हाजिर कर देना जाओ इकबाल सिंह हमारे एहसान आदेश का पालन करो महाराज महाराज जब आपकी बेटी गुलशन कॉलेज से आ जाएंगी तो हवेली पहुंचा दूंगा ठीक है इकबाल सिंह हम बेटी गुलशन के आने का इंतजार करेंगे ठीक है हुजूर जाओ
यशपाल सिंह, पहाड़ी का किला भाई मुबारक हो। और जाइए अपने बीवी व बच्चे के साथ पहाड़ी किले पर जाइए, और सीमा का भी ख्याल रखना, फजर होते ही सीमा के लिए रवाना हो जाना। मंत्री कृपाल सिंह, सीमा का बराबर ख्याल रखता हूँ, और जब तक सीमा पे कार्यरत हूँ कोई दुश्मन मुल्क के अंदर कदम नहीं बढ़ा सकता। और सुंदरी को पहाड़ी किले पे छोड़कर फौरन सीमा के लिए रवाना हो जाऊंगा। कृपाल सिंह महाराज, आज का दरबार यही समाप्त किया जाता। क्यों नहीं सम्राट? जल्दी मान करियो, हूँ हाँ हम लागी तुम्हार फूफा। चुप! क्यों फूफा कर रहा है? शाला, वो कंटाप तेरे गाल में रखूंगा। छठी का दूध तेरे मुंह से निकल आएगा। अब छठी का दूध कहाँ पिया है? और क्या पिया है? बचपन से तो हमारे अम्मा बीमार आते, हम डब्बा के दूध पी के जी। दूध पीकर के सया ना हुआ साला, ना है तुम्हारे बहनी के घर वाला है। बहुत सही बात। कहीं दूसरा कंटाप तेरे गाल पे रसीद कर दिया, तुंगलियों के पांचों निशान तेरे गाल पे बन जाएंगे। काहे हमका पपलाह कर रहे हो कहा साले? दरबारी सुना सम्राट जीत सिंह की बातों को? सुना? क्या सुना? नहीं सुना। फिर क्यों कह रहा? सुना आचन कह दिया। सम्राट सत्यजीत सिंह, सत्यजीत सिंह राजकुमारी गुलशन, गुलशन की परवरिश के एवज में, एवज में पहाड़ी का किला, पहाड़ी किला, पहाड़ी का किला इनाम में दे डाला। यही खैर परेशान हो? यही के लिए परेशान है। अरे आज सुंदरी का पहाड़ी किला मिला है तो मका राय बरेली के जिला देवा जी। दरबारी के किस किले पर हमारी नजर थी? नजर थी आज वो किला, किला मेरे हाथ से निकल गया। निकल गया। हमें किला नहीं चाहिए। किला ना चाहिए? हमें तो किला चाहिए। अच्छा दरबारी। का यार, जैसे घोड़ी ही नहीं नाथ हो यार। एक बात और है। का? आज मैंने राजकुमारी को लेकर के जब राजकुमारी को लेकर जब सम्राट ने आदेश दिया राजकुमारी को लेकर के सुंदरी दरबार में हाजिर हो, तो सुंदरी आई। सुंदरी आई और जब मैंने सुंदरी को राज दरबार में देखा तो फिर क्या हुआ? तो हमारे दिल के अंदर यानी सुंदरी को आज आपने दरबार में पहली बार देखा है? पहली बार दरबार में देखा। पहली बार तुम सुंदरी का दरबार में देखे हो और हम तो हरिद्वार में देखा है। हरिद्वार में? हाँ देखा होगा। देखा है जब इसकी बहन के साथ गंगा स्नान के लिए हरिद्वार गया था तब देखा होगा। हाँ सही कहे, तुम्हारे बच्ची का करवावे ले गए रहे।
क्या क्या करवाने? दासन यार, ऐसा नहीं बोलता। वही तो बोली दरबारी। जब मैंने सुंदरी को देखा तो मेरा दिल परेशान हो गया। तो आज दिल आए कि गंगा जी का बिल है। दरबारी, क्या गजब की चाल है? चाल है कि हिमालय की ढाल है? क्या गजब की चाल है? फूलों में ना मिसाल है, ताल है। अरे परिया तो पीछे हुई। का परिया? परिया नहीं भैंस। अरे परिया तो पीछे हुई। पीछे हुई क्या? कुदरती चाल है। दरबारी, देखा बहुत सी नाजनी। अच्छा, मैंने बहुत सी हसीनों को देखा। अरे तुम पुरान छिना रहा है। देखा बहुत सी नाजनी, ना टिक सका दिल जनाब, और सर्द आहे यूं भरी कि खाना पीना हो गया खराब। खाना पीना बेकार हो गया। सुंदरी, सुंदरी की बात है यार, दिल परेशान हो रहा है। बहलाएगा साला, पागल हो गया। सुंदरी, अरे देख कर गंगा कश्यप सुंदरी सामने नजर आ रही है। दरबारी, अरे देख कर सूरत तुम्हारी ये दिल दीवाना हो गया। देख कर सूरत तुम्हारी दिल दीवाना हो गया। अरे तू क्षमा क्षमा, जलती रही मैं परवाना हो गया। हमें नौकरी का खौफ ना, कोई खौफ नहीं। हमें नौकरी का खौफ नहीं है। नहीं है, आज रहे या ना रहे। नौकरी का खौफ ना, होते का कुछ भी ख्याल, लेकिन लेकिन वशलिका 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 चाम पीने को वशलिका चाम पीने को मेरा दिल बेगाना हो गया। वशलिका शाम पीने को मेरा दिल बेगाना हो गया। सुंदरी, मैं आऊंगा। कब? नहीं जानती। नहीं मालूम तुझे? नहीं मालूम। सुबह जसपाल सिंह सीमा के लिए रवाना हो जाएगा। यानी सीमा के लिए रवाना होगा। रवाना हो जाएगा, क्योंकि वो ड्यूटी का पाबंदी है। और सूरज के छिपते ही मैं पहाड़ी किले चलूंगा। मैं पहाड़ी किले पर दूसरी मुलाकात सुंदरी से करूंगा। करूंगा। दरबारी, आऊंगा कल आधी रात को। रात को? आज नहीं, कल। कल फजर होते ही जाएगा। क्यों नहीं? जसपाल सिंह, क्यों नहीं? आऊंगा मैं कल आधी रात को। रात को? अरे क्योंकि ये, क्योंकि ये, क्योंकि दरियाए दिल मेरा आशिकाना हो गया। दरबारी, मैं रियासत की दरबार जा रहा हूँ। ठीक। और तुम दोनों? हम दोनों फजर होते ही शाम फजर को, होते नहीं सूरज के छिपते ही संध्या को पहाड़ी किले की तैयारी करना। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे साथ पहाड़ी किले चलूंगा। कहाँ सो? देखो साले का एक ही पॉइंट फुट दी मारू,
हाँ। अरे यार प्लान बनाई प्लान बनाए हम कहे जाए प्लान बनाई या साला सुंदरी के पीछे बौरान है हाँ। सकल का नहीं देखत कहाँ सुंदरी और कहाँ या साला घोड़ कर आए कहाँ सुंदरी और कहाँ या साला हु कहाँ चिला माझा वही निहात कहाँ कमल गट्टा के फूल और कहाँ या साला कुकुर मोट्टा के फूल वही निहात कहाँ सोने के तलिया कहाँ गंधेला बकुला कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली कहाँ राजा भोज कहाँ गंगो तेली सुन लो अबे अबे उठ खड़ा हो उठ खड़ा हो खड़ा नहीं हो हाथ लगाओ आज की पहली महतारी ए भैया आइया ये साला महाराज क्या मर गई है कान खोल करके सुन ले रुको कब लंग खोले कान कान ना खोलो साहब तुम ला कान खोले कान वो बुहावना लंग खोल ये पीर मार काला दरबारी ऐसा तुझे जलाऊंगा तुझे जला करके खाक कर दूंगा तुझे ऐसा जलाऊंगा जैसे तुम्हारों का आमा यू जरूरी है बहुत जरूरी तुझको जलाऊंगा जैसे तुम्हारों का और ऐसी मार मारूंगा भेजूंगा तुझे उतरामा याद रख याद करो बगिया का यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर गांव है मेरे साथ चलो फजर होते ही जब वो सीमा के लिए रवाना हो जाए तो सूरत के छिपते ही पहाड़ी किले की तरफ चलना यार यह साला बहुत तपा है यार हाँ यार यह कौने दिन पैदा भा है यार हमका लागत यह साला मिर्गिसरा में पैदा भा है कहा यार मिर्गिसरा में पैदा भा मुला कौन दिन पैदा भा है यार या इतवार के दिन है खोली छू दिया कहे अबे इतवार का सब कोर्ट कचहरी दफ्तर बंद रहा था बंद तो रहा था कोर्ट कचहरी लेकिन एक दफ्तर खुला रहा था हाँ यार बहुत तपा है भैया हाँ चलो यार नहीं कौन का ऐसे आएगा ना तो दरबारी हाँ पिच्छू काटता नहीं है वो डंक मारता है वो माचा है और डंक का मारा हुआ आदमी मरता नहीं तड़पता है ऐसा डंक मारूंगा ऐसा डंक मारूंगा ता जिंदगी भर तड़पता ही रहेगा याद रखना चलो तैयारी बना लियो ये सरव का हमारे उचरिये का चले जाए कुचरिया कुचरिया तुम ना वही ना जे हम तुम खुद चले को ठीक कहना है अरे कौवा कवन लिए जाए टिहरी हल्ला मचावे कौवा कवन लिए जाए टिहरी हल्ला मचावे सरहत के भय लाल मोरनी नाच दिखावे भैया सिपाही जी मालकिन ये बताइए आ
तुम्हारे साहब कहाँ पर हैं? साहब तो मालकिन आपके साथ ही आए हैं। अरे पागल, ये मैं नहीं पूछ रही हूँ। वो तो आए हैं साथ मेरे, लेकिन इस वक्त वो कहाँ पर हैं? कहाँ हुई हैं, इधर उधर घूमट हुई हैं। सिपाही, यही तो मेरे समझ में नहीं आता कि जब देखो तब वो ड्यूटी पर रहते हैं, अगर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आते हैं कहीं अपने दोस्त बीरा सिंह से मिले चले जाते हैं, कहीं और जगह चले जाते हैं, जब देखो तब वो इधर उधर घूमा करते हैं। ना तो मेरे मुन्ने का ख्याल करते हैं और ना मेरा ख्याल करते हैं। मेरे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मालकिन एमा सब आप कमी है। क्या मेरी कमी? आओ का इसमें मेरी क्या कमी? पहले हम इधर उधर में रहते रहे। क्या आओ का कहूँ इधर जीत खिया, कहूँ गोलू खिया, कहूँ बालकेश खिया, यही तरह इधर उधर में घूमत रहे। और एक दई गई हमार मेहरारू 3 महीना नहीं बोली, जौने दिन नहीं बोली वही दिन से हम लाइन पर आए गए। मैं कुछ समझी नहीं कि तू क्या कह रहा। कहने का मतलब वही है बहन, आप प्यार से बोल दे हो और जहाँ बोल दे हो मामला फाइनल हो जाए। सिपाही तू तो जानता है कि जब देखो तब वो ड्यूटी पर ही रहते, एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आते हैं तो अपने दोस्त से मिलने चले जाते हैं, कहीं और जगह चले जाते हैं, अगर मैं उनसे ना बोलूं तो ऐसे ही वापस चले जाएंगे, तो फिर मेरा क्या हाल हो? अरे ऐसे ना जाई है, हम हूँ जानी थी ना, हम हूँ तो मन से धुए ही नहीं। सिपाही तू उनकी आदत को नहीं जानता। का है? मुझको आए हुए काफी दिन हो चुके, कम से कम 20 साल हो चुके, लेकिन उनकी आदत को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ खैर जाना तो, लेकिन आ जाओ तो उनसे बोलबे न करो। क्या कहूँ हुई है सुकुलपुर माँ जो उन्हें जाफर हन के लाए आए अफजल हन के लाए बैठ हुई है। सिपाही अगर तू कहता है तो आज मैं उनसे नहीं बोलूंगी फिर, लेकिन समझ लो अगर वो चले गए तुम्हारी बहुत पिटाई हो। टेंशन ना ले, वो चले गए हैं तो हम तो हैं ना, मतलब कोनो तकलीफ ना हो पाई, कोनो सर सामान की जरूरत हो तो हम तो हैं ना। हाँ बदतमीजी नहीं बोलना। नहीं वो चीज ना समझो मालिक, लेकिन पता नहीं क्या बात है जब तक मैं उन्हें नहीं देख ठीक पल चैन नहीं पड़ती। मालकिन आप दोनों का प्यार ही ऐसा है, काश आप दोनों के तरह हमारो मेहरारू हमका माया लागत, हमार मेहरारू जैसे खौरहिया कुकुर दौड़त है। भाई अगर तुम्हारे साथ वो ऐसा ना करे तो तुम फिर समझ लो। हम मानू के ना रहिए, बोलो खाली चिल्लाता है मायात बहुत है। हाँ दिल से चाहे। हाँ दिल से चाह भाई, इसीलिए तो कहीं पांव से मारते है कहीं डंडे से मारते है। अरे तो अब तो प्यार आ कर प्यार है। सिपाही अरे मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, जे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे, मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, जे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की।
जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ये जान भी तुम्हारी और दिल भी तुम्हारा। जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ये जान भी तुम्हारी और दिल भी तुम्हारा। अगर नायकी हो, अगर नायकी हो, मुझे आजमा ले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मुझे भरोसा है हमको मोहब्बत तेरी, ये जान भी तुम्हारा और दिल भी तुम्हारा। सुंदरी क्या बात है, तुम नाराज सी लग रही हो, क्या बात है, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। सुंदरी शिवाई क्या बात है, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि मैं अपने दोस्त बीरा सिंह के पास गया था, सोचा अटेंडेंट सीमा से वापस आया हूं और जाकर अपने दोस्त बीरा सिंह से मिल लूं, और फिर सीमा पे जाना है, कब वापस आऊं। और अरे साहेब बोले जो बिना बोले ना काम चलिए। साहेब सीमा के साथ साथ औरों ख्याल है कि बस सीमा ही सीमा है। मैं नहीं ख्याल करता, फिर दूसरा कौन ख्याल करता है। हम ख्याल करें, अगर हम ना ख्याल करें तब तो लोग मालकिन नहीं हरे चली जाए। क्या नालायक, ये क्या बकता है। वही बात है साहब, तुम नहीं ला कर दोगे क्या मैं दूंगा। लेकिन साहब को सामान हम नहीं ला के दे सके ना। क्या को सामान नहीं ला के दे सके, इसीलिए सुंदरी नाराज है। वही खाली गुस्साने हैं साहब, दोस्त के साथ साथ मलकिन का भी ख्याल किया करो। मुन्ने को ले लो और तुम जाकर टहला कर ले आओ। टहलाओ तो हिन तो बच्चा कबाब महड्डी हो, आओ तुम गए हैं मामला फाइनल, आओ लाओ लाओ, अब मान गए हैं जऊ कहो अधिकारी हैं, आओ आओ चलो चलो, तुमका गोली खिलाई। गोली क्या चीज, साहब बंदूक की गोली चलाना सिखाऊंगा। अभी कुछ नहीं, अभी बच्चा है। बच्चा है, चलो तुमका काखा गाघा पढ़ाई, आओ जाओ टहला कर ले आओ। सुनरी मैं अपने दोस्त बीरा सिंह के पास गया था, इसलिए तुम नाराज हो। क्या करूं, जब देखो तब आप ड्यूटी पर ही रहते हैं, अगर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आते हैं तो अपने दोस्त से मिलने चले जाते हैं, और ना तो मेरा ख्याल करते हैं और ना मेरे बच्चे का ख्याल करते हैं। क्या करूं, आपकी नज़र में सिर्फ दोस्त ही दोस्त है, हमारे लोगों का कोई ख्याल ही नहीं। ठीक है, अच्छा भाई गलती हो गई, यहाँ आओ यहाँ आओ। देख ले नालायक, क्या है हम कुछ देखे नहीं ना, यही लौंडवा का दिखाई की सयान हो जात सिखावे कर। सुंदरी यहाँ आओ, तुम नाराज हो जाती हो
तो मालूम पड़ता है दुनिया रूठ गई। आए अब्रो खरम जरा थम के बरश, इतना न बरश कि वो आ न सके, वो आ जाए तो जम के बरस, इतना बरस कि वो जा न सके। सच भगवान कसम, जी तो चाहता है कि हम तुम्हारे करीब रहें। हाँ लेकिन रहना नहीं चाहते। नजर ऊंच की तो दो माह बन गई, नजर नीच की तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई। नजर से हमने नजर को एक दिन नजर मिलाते नजर को देखा। मैंने भी देखा था। कब देखा? हमहू देखा है। क्या देखा? वाकई में मलकिन के आँखें के आम का फांकी है। मुझे चैन नहीं पड़ता क्या? नहीं साहब, हम जान रहे कि मामला गंभीर हुए। चल यहाँ से। हम आई नहीं ना साहब, मजबूरी माइन साहब। क्या मजबूरी है साहब? आप सीमा पे जा रहे हैं और घोड़ा तो गाभिन होएगा। अरे नालायक, यहाँ ये ठीक है साहेब। अरे नालायक, कहीं घोड़ा गाभिन होता है? पता नहीं कैसे साहेब आपकी वो फारीगा। अरे वो घोड़ी होगी। पता नहीं आगे से देखा आपकी पीछे से देखा। यहाँ से। और प्यार के मोड़ पे मिल गई हो अगर, प्यार के मोड़ पे मिल गई हो अगर, और मिलने मिलाने का वादा करो, प्यार की मोड़ हो, प्यार की मोड़ पे मिल गई हो अगर। वादा करो, आ गई हो हो तो जाने कि जिद ना करो, आ गई हो तो जाने कि जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। वादा करो, आ गए हो तो जाने कि जिद ना करो, आ गए हो तो जाने कि जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का का दस्तूर है, हुस्न की हर अदा मुझको मुझे भी मंजूर है। मैंने माना कि उल्फत का दस्तूर है, हुस्न की हर अदा मुझको मंजूर है। उल्फत का दस्तूर है, हुस्न की हर अदा मुझको मंजूर है। रोठना है, रोठना है जरूरी तो रूठो, मगर बाद में मान जाने का वादा करो। I'm not afraid to die.
की उल्फत का दस्तूर है, हुस्न की हर अदा मुझको मंजूर है। रूठना है जरूरी तो रूठो, मगर रूठना है जरूरी तो रूठो, मगर बाद में मान जाने का वादा करो। सुंदरी, अब सीमा पे जाना है। महाराज ने हुक्म दिया है कि सीमा पर फौरन चले जाना, लेकिन अभी तक सीमा पर नहीं गया। अच्छी बात है। सिपाही, हाँ भैया, अब मैं या आपके लंगवा बिल्कुल हमहीन का पड़ा। न लाए कहीं का एक मोछा हमहीन ता रहा। अरे बच्चा है, इसके मोछे कहाँ से आ गए? यो काहे का है साहब? अब मैं सीमा पर जा रहा हूँ। सीमा पर जा रहे हो? हाँ, और यहाँ का ख्याल रखना। साहब, यहाँ का ख्याल तो हम रखते, लेकिन हमारे घर से इमरजेंसी में बोला हुआ आवा साहब। अभी अब हमने फोन आवा साहब। कोई जरूरी काम? हाँ साहब। क्या जरूरी काम है? हमारे मेहरारू के लड़का बाम का सोवर बैठे जा। बच्चा, तेरी औरत के हुआ सोर तुझे बैठना है? और आखिर गरीब मोनक्का छोहारा सोठौरा को खाई? तू खाएगा और को खाई? सुंदरी सुन रही हो? सुन रही। अरे नालायक, अपनी बीवी को खिला ताकि उसकी तंदुरुस्ती में सुधार आए। अरे ठीक है यार, मेहनत लाग हमार खाई है वही वही लौंडा के चक्कर में तो हम सूख के छुहारा हो गए। कुछ भी हो लेकिन ये पहाड़ी का किला सुनसान जगह पर है। तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है, इसलिए छुट्टी नहीं मिल पाएगी। नाय साहब, आपका जाय दियो, आपकी हम ओके नाम मेवक बेटवा जौन रखे हैं सचिन अपने बेटवा के हम सचिन रखा। नहीं, छुट्टी नहीं मिल पाएगी। काहे ना? नहीं साहब, हमको छुट्टी चाहिए। वहाँ क्या करोगे जाकर? अरे बड़ा चाहल है साहब, हमका जाए दियो साहब। अच्छा ठीक है, आज जाओ और कल वापस आओ। एक दिन में हुआ हम छीछा लेदर मक्का कैले क्या है? तो तुझे कितने दिन की छुट्टी चाहिए? छुट्टी चाहिए तो कायदे चाहिए, नहीं छुट्टी ना चाहिए। कितने दिन की छुट्टी चाहिए? छुट्टी दियो तो कायदे दियो, नहीं ना दिए छुट्टी नहीं मिल पाएगी। छुट्टी नहीं मिल पाएगी? नहीं तो फिर सस्पेंड करो। क्या? सस्पेंड करो यानी नौकरी छोड़ सकते हो? लेकिन बीबी नहीं छोड़ूंगा, नौकरी तो फिर मिल जाए, बीबी कहाँ मिलेगी? अजीब इंसान है। सुंदरी सुन रही हो? सुन रही। ये अपनी बीबी को बहुत ज्यादा चाहता है, आपकी तरह थोड़ो। कही बात है, हमका जाए जो साहब, हमारे कुरकुरी पकड़े है चाहे। तो कितने दिन वहां ठहरोगे? कम से कम एक हफ्ता रही तो ठीक हो जाए साहब। ठीक है, जाओ, एक हफ्ते की छुट्टी मंजूर कर रहा हूँ। आप तो कहा था, लेकिन मालकिन कहा थी ना जाओ। क्यों? हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि और दूसरा कोई दरबारी है नहीं, अगर ये चला जाएगा तो यहाँ की देखभाल कौन करेगा? आप तो जानते हैं पहाड़ी का किला बिल्कुल सुनसान है। प्राणनाथ, मुझे आश्चर्य सा लग रहा। नहीं मालकिन, सामान की चिंता न करो, हम सामान देहुला लगा दे। सिपाही, तू चला ही जाएगा तो बाजार से सामान कौन लाएगा? सामान की चिंता न करो, हम देहुला लगा दिया। मुन्नी की देखभाल कौन करेगा? अरे ये खामखा परेशान हो रही हो, ये नहीं मानेगा। मलकिन, देखो तुम एक औरत हो, औरत का दुख दर्द समझ सकती हो। छुट्टी नहीं मिलेगी? नहीं मलकिन, ये लौंडा के समय में आपके ऊपर का बीतत रही आप जानत हो, हमका छुट्टी दे दो, हमारे मेहरारू वही हाल हो। ठीक है, अच्छा जाओ, एक हफ्ते की छुट्टी मंजूर कर रहा हूँ। ठीक है साहब, एक हफ्ते के बाद बहुत जल्द हम हाजिर हो जाएंगे। और एक हफ्ते की से ज्यादा वहाँ रुके तो महाराज से शिकायत करो। नहीं साहब, शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारो मन आज पता नहीं कहे जाए कि नहीं होते, लेकिन ऐसी मजबूरी है तब जा रहे। ठीक है, जाओ।
सुंदरी, तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए बोलो। जब मैं सीमा से वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, बोलो क्या चाहिए। प्राणा, आप तो जानते हैं कि ये चूनर काफी पुरानी हो चुकी, आपकी बार आना तो 80 चूनर लेकर आना। और क्या? मुन्ने के लिए कपड़े और अच्छे अच्छे कंगन लेकर आना। यानी चूनर और हाथ के कंगन और मुन्ने के लिए कपड़े। कपड़े, आप तो जानते हैं कि करवा चौथ का मैं व्रत रहती हूँ। ठीक है, सब कुछ लेकर आएंगे। लेकिन प्राणनाथ, पता नहीं क्या बात है, आज मुझे आश्चर्य सा लग रहा है। पता नहीं क्यों मेरा दिल रह रहकर घबरा रहा है और मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। आज मुझे अशुभ ही अशुभ नजर आ रहा है। क्या, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ प्राणनाथ, ऐसा नहीं, लोगों को यह मालूम हो गया कि पहाड़ी किले पर सेनापति का परिवार रहता है और कोई आंख नहीं उठा सकता, तुम खामखा परेशान हो रही हो। प्राणनाथ, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन इतना ध्यान रखना, जाते ही आप फोन कर देना। आप तो जानते हैं कि जब तक आपका कुछ हाल खबर नहीं, मुझे रात दिन आपकी ही चिंता लगी रही थी। ठीक है, हम जाते ही फोन करेंगे। ये क्या, हमारे जाते वक्त तुम आंसू गिरा रही हो? नहीं, ये रोना नहीं चाहिए। जाते गो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना, जाते वो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। खत में लिखना कैसे हो तुम, खत में लिखना कैसे हो तुम, पाते ही खत लिखना, जाते वो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। जाते वो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना, या भगवान मेरे प्राणनाथ बॉर्डर पे गई हुई। अब मैं चलूं और चलकर, क्योंकि ये पहाड़ी के किला बिल्कुल सुनसान है। दरबारी, अब पहाड़ी किले की तरफ चल रहा हूं, लेकिन एक बात है, काम चोरी का है। का काम सीना चोरी का है? चोरी का है, चोरी का है, छुप करके जलना है, चुपे चुपे, ताकि किसी की नजर में हम लोग ना पड़े। और शोरगुल नहीं मचाना। शोरगुल नहीं मचाएंगे, चुपे चुपे चलेंगे। चिल्लाना नहीं तो हो ना चिल्लाओ यार। कहे चिल्लाए तो कहे चिल्ला से फल बोल रहा, कहा चिल्लाए थे? देखो काम चोरी का है, काम सीधा चोरी का है, चोरी का है, काम घोड़ी का है। अगर चेक पकड़े गए तो मारे जाओगे, तो कैद खाने की हवा खाओगे, इसलिए छुप करके चलना है। हम लोग ना चिल्लाब, लेकिन तो ना चिल्लाओ। मैं नहीं चिल्लाऊंगा, चलिए चलिए चलो।
नैना हो गोरी तो हो गोरी तो नैना का कर रहा हो कहे मारा छे आ ए भैया आ भैया कहे सुख सोयो न एक रात गौना कहे कलायो ओ पिया सोयो न एक रात गौना कहे भैया अरे वही मुस्की मारे कि वही मुस्की मारे घूंघटा के तर तर भैया हाँ भैया कहे ससुरू हमारे जन्म के बैरी बोयो जेठुआ धान अरे जेठा तो सोवे जेठानी के करवा अरे सैया सोवे खलिहार गौना कहे कहे भैया वही माल चालवा हो अरे मूरी कहे हमने बनावा गाजर कर दरवाजा और शक्कर कर लेके खीर बनावा लड़े पहाड़ी राजा और पिया बैगनवा बेचना पिया बैगनवा बेचना भाई के कुचरिया मा दुकनिया पिया बै कहे कहे मारा छे यार या मर कही है यार ठहरो हाँ? पहाड़ी किले पर आ गए हो आ गए हैं अब जा करके देखो हाँ? पहाड़ी किले के फाटक पे कौन है ठीक है तुम खड़ी रहो हम पता लगाया खड़े रहो ये बोल खड़े तुम्हार चेहरा यार हमारे शहरी की तरह क्या होगा बट क्या है क्या है कुकुर बात है काज काज ले तो बाई सुई बोल रही लागी दरबारी हाँ अरे कुत्ते से बच करके जाओ म्याओ, म्याओ, क्या है कौनो कहा था हियाओ, हियाओ। दरबारी हियाओ नहीं आ? वो बिल्ली है आ? कहती है म्याओ, म्याओ। क्या कहा था बियाओ नहीं कहती बियाओ कहती है मियाओ अपने बच्चे के लिए रो रही है दरबारी जा करके देखो कुर्रक 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 कौनो कहा था कुछ रख कुछ रख कौनो कहा था कुछ रख कुछ नहीं नहीं आ? ये मास फागुन का है आ? वो कहता है मचे हुड़दंग मचे हुड़दंग अच्छा मचे हुड़दंग अच्छा अब कहीं कहा था कुछ रख नहीं गायब सुबेर होएगा मुर्गा बोला कोकरो को दरबारी आ? अब 12 बजे रात में भी मुर्गे बोलते हैं ये 12 मासी आए हाँ ए साहब क्या बात अब हमारा नथिकाय तुम हैं जाओ भाई हम जाएं हम लोगन के जाए दियो अब हमका जाए दियो हम जाए दी वही जाए होटल खाए शेरा के दुकान में बरुआ में होटल खाए जाए दरबारी हाँ ठीक है तुम जा करके चाय पीजिए ए भैया हमका जा दिया हम कुछ रिया जाबे हाँ चाय भैया क्या हुआ ठीक हो गए अशगुन हो गया वापस चल अरे तू जा मैं नहीं जाऊंगा अच्छी अच्छी है जाओ अच्छी है सही डबल होएगा चलिए
पहाड़ी किले पर कोई है? पहाड़ी किले पर कोई है? पहाड़ी किले के अंदर कोई है? हाँ, कौन है आप? मैं दरबार का मंत्री कृपाल सिंह हूँ। मंत्री जी, आप और इतनी रात को किस लिए आए हुए? सुंदरी, दरवाजा खोलो, सब बतला दूंगा। मंत्री जी, दरवाजा दिन में खुलता है, रात में नहीं। और फिर इस वक्त मेरा बेटा सुंदर सो रहा है। मेरे स्वामी जी बॉर्डर पे गए हुए हैं, इसलिए मैं इतनी रात को दरवाजा नहीं खोल सकता। सुंदरी, जब तुम्हारे पति यशपाल सिंह दरबार गए थे तो उनका कार्ड वहीं गुम हो गया था, और वो कार्ड मुझे मिला है। दरवाजा खोलो, कार्ड ले लो, मैं चला जाऊंगा। मंत्री जी, जब वो आएंगे तो आप कार्ड उन्हीं को दे देना। सुंदरी, मैं कभी दरबार में, कभी रियासत की तरफ, कभी बगले पर, अगर जब वो कार्ड मुझसे गुम हो गया तो यशपाल सिंह की नौकरी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए दरवाजा खोलकर कार्ड ले लो। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। सुंदरी, मंत्री जी, कहाँ है नौकरी का कार्ड, मुझे ले आओ। सुंदरी, यशपाल सिंह का कार्ड गुम नहीं हुआ था, ये तो दरवाजा खुलवाने का एक बहाना था। मंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कहता हूँ। घबराओ नहीं सुंदरी, हमारी तरफ देखो, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सुंदरी, तो समुख सुंदरी इस कदर क्यों होती है राम? समुख सुंदरी इस कदर क्यों होती है राम? और तेरे कदमों पे पड़ा खादिम काई मैं, मंत्री जी। सुंदरी, आप ये क्या कह रहे हैं मेरे कुछ? मैं सत्य कह रहा हूं सुंदरी, मेरी तरफ देखो, कसम से दिल खींचा जा रहा है। बातें कैसी मुझे तुम सुनाने लगे, बातें कैसी मुझे तुम, बातें कैसी मुझे तुम सुनाने लगे, कि तू के दीवानों के गाने लगे, कि तू आके कोई गलती हो गई हो, ओ कलम सर कीजिए, ये ना गाओ सुंदरी, ये गुनाही सर की है, बातें न ऐसी कीजिए, परत्रिया पे नजर क्यों जमाने लगे, परत्रिया पे परत्रिया पे
सब देखो, आज माने की तुम्हारी शक्ल ने तदवीर की, के खता बस जाने मन केवल तेरी तस्वीर की। सुंदरी ये तुम्हारी खता नहीं, खता तो तुम्हारी सूरत की है। तो आज माने की तुम्हारी शक्ल ने तदवीर की, ये खता बस जान मन केवल तेरी तस्वीर की। और बीज नफरत का क्यों तुम, और बीज नफरत का क्यों तुम उगाने लगी। उगाने लगी और बीज नफरत का क्यों तुम उगाने लगी। बीज नफरत आप मेरी ये खता तस्वीर की कर दीजिए, ये गुनाह सर की है, बातें ना ऐसी कीजिए। आकर सिर मन मुझे आज माने लगे, आके सिर मन आपके हाथ जोड़ती हूं, शुभान की चली जाइए। हाथ जोड़ने से काम हासिल नहीं होगा, काम हासिल तभी होगा मेरे नजदीक आने से। नहीं मंत्री जी। सुंदरी मलका बना रखूं तुम्हें, अगर मेरा कहना मानोगी राज रानी बन जाओ। मलका पना रखूं तुम्हें दिल में यकी कर लीजिए, मलका पना रखूं तुम्हें दिल में यकी कर लीजिए। आशिक को अपने इस कदर नीचे गिराना दीजिए, और वरना समझूंगा तोहमत बुलाने लगी। तोहमत बुलाने लगी, और बीज नफरत का क्यों तुम उगाने लगी। बीज नफरत मान कहना इसी दम चले जाइए, वाजिब नहीं वरना जाकर न पसे शिकायत करूं, दो मिनट में ये छिन जाएगी अफसरी। सुंदरी मेरी शिकायत सम्राट से करने जाओगी? नहीं तो ये तो अच्छा, मुझे तू सिखाने लगी
शिकायत मेरी ओहदा पा जाओगी। तुम रहोगी नहीं, तुम रहोगी नहीं, जिंदा संसार में अपराध बच करके मुझसे कहा जाओगी। पहाड़ी किले का दरवाजा खुला है सुंदरी, मैं तेरे पास आ रहा हूं और तेरी जवानी से खेल करके रहूंगा। देख सुंदरी, मैं तेरे पास आ रहा हूं। नहीं मंत्री जी, आपको ऐसा नहीं करना। सुंदरी, जिस काम के लिए मैं आया था वो काम मेरा हासिल हो गया। अब तू मेरी शिकायत सम्राट सत्यजीत सिंह के पास पहुंचाने जाओगी? नहीं, सत्यजीत सिंह के पास पहुंचने से पहले मैं तेरे कदम हमेशा हमेशा के लिए नहीं, रास्ते नहीं, में ही रोक दूंगा। तेरे कदम रास्ते में ही रोक दूंगा। सुंदरी, अब मेरी शिकायत सत्यजीत सिंह के पास नहीं पहुंचा सकोगी। बेटा बेटा सुंदर प्राणा, बेटा सुंदरी, अब मेरी शिकायत सम्राट सत्यजीत सिंह के पास कभी नहीं पहुंचा सकोगी। मैं तुम्हारे कदम हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया। सुंदरी, अब तू शिकायत नहीं पहुंचा सकोगी, अब मुझे करना क्या चाहिए? पत्र का मजमून, सम्राट सत्यजीत सिंह चुनारगढ़। आपकी सुंदरी मुझे यहां से फौरन निकल जाना चाहिए ताकि किसी की नजर हमारे ऊपर ना पड़ सके।
या भगवान, ये अचानक ये मेरा दिल क्यों धड़क उठा? ऐसा लगा कि जैसे कोई आवाज़ देकर बुला रहा हो। और पहाड़ी का किला सुनसान जगह पर है, सिपाही मौजूद नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुंदरी को कोई कष्ट हो या बेटे सुंदर को कोई तकलीफ हो? अब पहाड़ी किले से हमें सीमा से पहाड़ी किले पर जाना चाहिए और फिर वापस आकर ड्यूटी ज्वाइन करूँगा। सुंदरी, तुम यहाँ लेटी हो और इस तरह लेटी हो, ये तुम्हारे लेटने का तरीका नहीं रहा। सुंदरी देखो, मैं सीमा से वापस आ गया। सुंदरी, सुंदरी कुछ बोल नहीं रही। सुंदरी, सुंदरी देखो, मैं सीमा से वापस आ गया। सुंदरी, सुंदरी नहीं, सुंदरी ये सब क्या? ये खून किसने किया? सुंदरी कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो सुंदरी, कुछ तो बोलो। आह गजब, ये क्या हुआ समझ ना आए रा, खता कौन सी हो गई, गिरी शीस पे गाज, गिरी शीस पे गाज सुंदरी, सच सच मोए बताओ, जुल्म साथ में कियो तुम्हारे, मुझसे नाए छुपाओ। प्रिय शतवंती सची किन्नरी, खोलो नयन निहारो, लाजवती हंस कर उठ बैठो, गले में बाह पसारो, कौन पापी हत्यारो, वार खंजर का मारो, नहीं जिगर में दया है थमती, मुझे भूला न को भूला, नहीं खौफ अंदर थी। प्रिय कुछ तो बोलो, प्रिय तुमने तो कहा था कि मेरे लिए अच्छी सी चूनर, हाथ के कंगन और मुन्ने के लिए कपड़े लेकर आना, ये सब क्या हो गया? हर बता भगवन मेरी दिलगीर, किस पे जुल्म उठाती थी? प्रिय कुछ तो बोलो, प्रिय कुछ तो बता भगवन मेरी दिलगीर, किस पे आती थी? समझ में कुछ नहीं आता कि किसका दिल दुखाती थी, समझ में कुछ नहीं आता कि किसका दिल दुखाती थी। दरबार गुलशन को है पाला गोद में रखकर, शरे दरबार गुलशन को है पाला गोद में रखकर, कभी बे जान में गुस्सा जिगर में लाना पाती थी, कभी बे जान में गुस्सा जिगर में लाना पाती थी।
भगवान, मैं अपने बेटे की तलाश करूं, मेरा बेटा कहाँ है? सुंदरी, सबसे पहले मैं बेटे की खोज करूं, मेरा बेटा कहाँ है? या भगवान, ये मेरा बेटा बाहर पड़ा रो रहा था, और अब ये नाजुक वक्त मैं दरबार नहीं जा सकता। सबसे पहले मैं अपने बच्चे को लेकर अपने दोस्त बीरा सिंह के पास जाऊंगा, और फिर अपने बच्चे को अपने दोस्त बीरा सिंह के पास छोड़कर तब ये खबर राज दरबार पहुंचाऊंगा कि सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया। सुंदरी, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। दोस्त बीरा सिंह, मैं बहुत परेशान हूँ। दोस्त बीरा सिंह, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा दोस्त यशपाल सिंह हूँ, मैं परेशान हूँ दोस्त, दरवाज़ा खोलो। सिपाही, दरवाजे को खोलो, देखो हमारे यशपाल की आवाज़ आ रही है, दरवाजे को खोल दो। ठीक सर। मैं क्या देख रहा हूं? आपकी आंखों में आंसू? नहीं मेरे दोस्त, ये क्या है? आपकी आंखों में आंसू ये शोभनी नहीं है। बात क्या है? क्या हुआ है आपको? एक ग्रेट वेरियस कमांडर चीफ है आप। सर आपको क्या हो गया? क्या हुआ? व्हाट इज रॉन्ग विद यू माय फ्रेंड? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तेरे को देख करके मेरा कलेजा फट रहा है। किस गम में ओ मुत्तिला और आए हो बेजान, दोस्त मुझे तू दे बता, ओ मुश्किल क्यों नहीं बोल रहा है? बोल, ए, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? जा करके जन नाश्ते का इंतजाम कर, देखता नहीं दोस्त आया है तो प्लीज बी सेट दैट अल शेयर बैठिए रो रो आंसू बहावो नहीं हाल दिल दोस्त मन सब आया कीजिए, क्या मुसीबत पड़ी शीश पे आने करी चंद लम्हों में किस्सा बयां कीजिए, क्या मुसीबत पड़ी शीश पे आने करी चंद लम्हों में किस्सा बयां कीजिए, यू कम प्लीज स्पीक आउट प्लीज। तो सर पे बिजली आ गिरी फूट गई तक ऐसी बिजली आ गई पे बिजली आ गिरी फूट गई तकदीर, और जुबान ना कुछ कहे पा रही दिल इतना क्या है
मारी गई, दोस्त मुझसे सहारा है छीना गया, संपदा शान शौकत हमारी। मुझसे सहारा है छीना गया, संपदा शान शौकत हमारी गई। दोस्त सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया, सुंदरी का खून हो गया, किसने किया है ये खून? दोस्त मुझे कुछ नहीं है मालूम कि खून किसने किया, मौजूद नहीं था, सीमा पर था, अचानक सीमा पर सुंदरी की याद आई और जब पहाड़ी किले पर पहुंचा तो सुंदरी की लाश देखा। तुम अपने दुश्मनों के नाम बतलाओ। दोस्त किसे अपना दोस्त कहूं, किसे अपना दुश्मन कहूं? चुप रहो, बच्चों जैसी बातें करते हो। तुम इस मुल्क के एक सेनापति हो और जब तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो तुम्हारी पत्नी का कत्ल कैसे हो गया? तू डरता है क्या यार? दोस्त मैं तेरा जिगरी दोस्त हूँ। कुछ नहीं है मालूम, मैं वही ठाकुर वीरा सिंह हूँ जिस समय तू मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, एक क्लासमेट था, इंटरमिशन में तू मेरी रोटियां लेकर के भागा करता था और मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ता था। अरे डरता क्यों? आई आर टू ऑफ फ्रॉड माय फ्रेंड, नो बोल। दोस्त मुझे कुछ नहीं है मालूम। ओ गॉड, अच्छा ये बतला कि मैं तेरी हेल्प इस समय क्या कर सकता हूँ? दोस्त ये फॉर्मेलिटी तू मेरे ऊपर, एक छोटा सा उपकार। कैसा उपकार बोल? दोस्त लगते जिगर हूँ तुम्हें सौंपता, दोस्त लगते जिगर हूँ तुम्हें सौंपता, इसको जाकर कहीं पे बचा लेना तुम। ताउमर मानूंगा सर पे एहसान को, संपदा शान शौकत। दोस्त ये मेरा बेटा बगैर माँ के हो गया, मेरे बेटे की ममता को किसी दुश्मन ने छीन लिया। आज तू अपना बच्चा मेरे को दे रहा, अपने कलेजे के टुकड़े को मेरे को सौंप रहा है। अब इसकी जिंदगी को बचाना मेरा पहला मकसद होगा। क्यों नहीं सर? तू घबरा नहीं, एक बात जाते जाते बतला दे कि बॉर्डर पे कोई ऐसा फौजी जवान तो नहीं जिससे तुझे नहीं लगता? दोस्त बॉर्डर पे कोई ऐसा दुश्मन नहीं था जो सुंदरी का खून कर सके। कोर्ट के अंदर कोई ऐसा कोर्टियर तो नहीं था, कोई ऐसा लीडर था, कोई ऐसा सोल्जर था जो दुश्मनी रखता? नहीं, किसे अपना दोस्त कहूं, किसे अपना दुश्मन कहूं? राज दरबार में महाराज सुंदरी को बेटी के समान मानते हैं और मंत्री कृपाल सिंह वो हमें भाई के समान मानता है, तो कौन सुंदरी का खून कर सकता है? यशपाल सिंह तू अपना ख्याल रखना और बच्चे को मैं बचाऊंगा। दोस्त और मैं खोज निकालूंगा उन दुश्मनों को। सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर पड़ी है और ये खबर राज दरबार महाराज को तक पहुंचा दूं कि सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया। दोस्त ये मेरा बेटा है और जब मैं वापस आऊंगा तो अपने बेटे को लेकर मैं बहुत दूर चला जाऊंगा,
और कभी चुनारगढ़ रियासत में नहीं आऊंगा, हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। तेरा बेटा मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त। दोस्त मेरी अमानत को संभाल कर रखना, मेरी अमानत को संभाल कर रखना, इसे कुछ होने ना पाए। इसे कुछ नहीं होगा, इसे कुछ नहीं। शिपाही देखा, ये हमारा जिगरी दोस्त है। क्यों नहीं सर, हम बचपन के दोस्त हैं। वो समय एक था कि हम दोनों दोस्त एक साथ पढ़ते थे और हमेशा एक साथ खेलते थे। ये जहाँ भी जाता था मैं इसके साथ में जाता था। क्यों नहीं सर, भोजन करने के लिए बैठता था तो एक ही थाली में खाता था। और आज कई दिनों के बाद मेरा दोस्त मेरी हवेली पे आया तो इस नन्हे मुन्ने बच्चे की जान को मेरे इस हालत में। हमारा दोस्त सेनापत की नौकरी की और मेरा परिवार फ्लैग के हादसे में मार दिया गया। मैं कोई भी सर्विस ना करके हमें घर का भार मेरे सर पे आ गया। लेकिन अब मैं दिखाऊंगा कि दोस्ती क्या होती है, फर्जयारी क्या होती, इंसानियत क्या होती है। उम्र में तो मैं इससे बड़ा था लेकिन अब दिखाऊंगा कि हिंदू और मुसलमान के बीच के रिश्ते क्या होते हैं। अब मैं अपना नाम ठाकुर बीरा सिंह बदल करके एक अब्बास फकीर के नाम से मशहूर हो जाऊंगा और फकीर के साय में रह करके उन ज़ियादियों को खोज निकालूंगा जिसने हमारे दोस्त के आंखों में आंसू लाए हैं। और जब तक मैं उन्हें खून के आंसू नहीं रुला दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बेटे चल मेरे साथ, तुम इस हवेली की देखभाल करते रहना। मुझे विश्वास है कि कोई नजदीकी दुश्मन है जरूर कोई। अगर उसे ये मालूम पड़ गया कि ठाकुर बीरा सिंह के यहाँ यशपाल सिंह का बेटा पल रहा तो मेरे नामौजूदगी में बच्चे को कुछ भी हो सकता है। जरूर कोई दोस्त के भेद में दुश्मन छुपा हुआ है। इस बच्चे को लेकर के हम यहाँ से बाहर निकल जाएं। नहीं सर, आप यहाँ से चले जाएंगे तो हवेली है सल्तनत जागीर सब वीरान हो जाएगी। इसकी रखवाली तुम करोगे, भगवान ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे। बेटे तुम मेरे साथ चल, आज के बाद तेरा नाम सरवर नहीं होगा, लोग सुंदर नहीं होगा, लोग सरवर के नाम से जानेंगे। आज के बाद तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है, कलेजे का टुकड़ा है। मैं जा रहा हूँ, हो सके तो हमारी जंजीर जमीन जायदाद हमारे घर की रखवाली करना। आप चिंता ना करें सर, ये हवेली जागीर संतलत सब हम संभाल कर रखेंगे। जब तक आप नहीं आएंगे इस हवेली में चिराग जलता रहेगा। मंत्री इकबाल सिंह महाराज, आज क्या बात है, मुझे पहाड़ी किले की याद आ रही है और हमेशा सुंदरी का ख्याल मेरे दिल में आता है। सम्राट, पहाड़ी किले पर सुंदरी ने आपको याद किया होगा, इसीलिए सुंदरी की याद आपको आ रही है। और सम्राट, अगर सुंदरी आज दरबार में आती है और नहीं आती है तो फजर होते ही पहाड़ी किले की तरफ रवाना हो जाना और आपके साथ मैं भी चलूंगा। कृपाल सिंह तुम ठीक कहते हो, कल फजर होते ही हम पहाड़ी किले की तरफ रवाना हो जाएंगे। क्यों नहीं सम्राट। यशपाल सिंह, यशपाल सिंह, क्या हो गया, क्या हुआ? यशपाल सिंह क्या बात है, तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कौन सा सदमा के पहाड़ी किले पर कोई हादसा हो गया या कि फिर सरहद पे कोई हादसा हुआ है? बोलो यशपाल, तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा है। महाराज, सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया। खून? यशपाल सिंह,
रह रहे हो? सुंदरी का पहाड़ी किले तो यशपाल सिंह वो कौन सा शख्स है? किस हराम ज्यादा ने सुंदरी का खून किया गया? जिस सुंदरी को मैं अपनी पुत्री की तरह समझता था, आज वही सुंदरी का खून सुन रहा हूं। महाराज, मुझे कुछ नहीं है मालूम कि सुंदरी का खून किसने किया। लेकिन ये बताओ, यशपाल सिंह, सुंदरी की लाश कहाँ है? सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर पड़ी है। पहाड़ी किले पर? ठीक है यशपाल सिंह और कृपाल सिंह, महाराज तुम लोग मेरे साथ चलो, और सिपाही जी महाराज तुम भी मेरे साथ चलो, हम उस पहाड़ी किले पर चलकर सुंदरी की लाश का निरीक्षण करेंगे। तुम लोग आओ मेरे साथ। चलिए सम्राट। नहीं, सुंदरी का खून नहीं हुआ सम्राट, सुंदरी का खून नहीं हुआ, बल्कि खून राजकुमारी गुलशन की मां का हुआ है। राजकुमारी गुलशन की मां का खून कृपाल सिंह किसी बेदर्दी ने ही किया होगा, किसी बेदर्दी ने ही किया होगा। सम्राट पहाड़ी किले पर चलिए और सुंदरी की लाश का निरीक्षण किया जाएगा। सम्राट पहाड़ी किले की तरफ चलिए। ठीक है कृपाल सिंह, तुम मेरे साथ चलो, तुम ठीक कहते हो, सुंदरी का खून नहीं बल्कि हमारी बेटी गुलशन की मां का खून हुआ है। चलो मेरे साथ, तुम लोग साथ में आओ। जिस सुंदरी को हमेशा हम अपनी पुत्री की तरह समझते थे, आज वही सुंदरी की लाश अपनी नजरों से देख रहे हैं। हरामजादे कातिल कमीने खूनी, सुंदरी को मारकर तुझे क्या मिला है? क्या मिला है कृपाल सिंह? सम्राट सुंदरी की लाश की तलाशी लो, हो सकता है कि कातिल का कोई प्रूफ सुंदरी के लाश के इर्द गिर्द तो नहीं छूट गया है। क्यों नहीं महाराज? सम्राट सुंदरी की लाश का निरीक्षण मैं करूंगा, अगर उसके पास से कोई सबूत मिलता है तो उस कातिल तक पहुंचने में आसान होगा। सम्राट हाँ कृपाल सिंह, तो मैं निरीक्षण करूंगा। शमशीर का है जो गहरा निशान है, और दो निशान गोलियों के हैं जो
सुंदरी के जिस्म को पार करके गोलियां बाहर निकल गई है सम्राट, गोलियां बाहर निकल गई है और सुंदरी की लाश का निरीक्षण करते समय सुंदरी के सर के नीचे से ये पत्र बरामद हुआ है। महाराज ये पत्र पढ़ा जाए शायद सुंदरी मरने से पहले उस कातिल का नाम लिखकर छोड़ गई हो। क्यों नहीं महाराज, इस पत्र को पढ़ा जाए। महाराज कृपाल सिंह ये लो पत्र और उसे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। सा सत्यजीत सिंह चुनारगढ़ मैं मरने से पहले ये आखिरी खत लिख रही हूं। महाराज ये सुंदरी का ही लिखा हुआ खत है। क्यों नहीं सम्राट, मुझे भी विश्वास हो रहा है मरने से पहले यह खत सुंदरी नहीं लिखा होगा। क्यों नहीं महाराज। हाँ और सेनापति यशपाल सिंह आपके संबंधों पर झूठा इल्जाम लगा करके मेरा खून कर दिया। नहीं। मेरे हत्यारे पति यशपाल सिंह को सख्त से सख्त सजा दो। मेरे साथ शतरंज की चाल चली जा रही है। खामोश यशपाल सिंह, तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि साबूत मेरे हाथ में है और सुंदरी ने अपने हाथों से लिखा है। हाँ इसमें सुंदरी की राइटिंग और सुंदरी के शायर मौजूद हैं। इससे मालूम होता है कि कातिल तू ही है। सिपाहियों महाराज सुंदरी की लाश को उठाओ और ले जाओ हमारी चमन में। आज मैं अपने हाथों से सुंदरी की लाश का अंतिम संस्कार करूंगा और उसी चमन में इसकी कब्र बनवा दूंगा ताकि हमेशा के लिए यादगार रहे। नहीं महाराज, सुंदरी की लाश नहीं ले जाने दूंगा। महाराज महाराज सुंदरी की लाश मैं नहीं लेता। कमीने और खड़ा हो जा। यशपाल सिंह मैं सब कुछ समझ गया हूं और अक्ल मेरी हैरा हुई देख के खत्म मजमू। अक्ल मेरी हैरा हुई देख के खत्म मजमू। बोल खरामजादे, तूने ऐसा क्यों किया? मेरे ऊपर लांछन लगाकर तूने अपनी पत्नी सुंदरी का खून किया। नहीं महाराज, मैंने खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। खरामजादे झूठ बोलता है। इस पत्र में सब कुछ लिखा था, सुंदरी की राइटिंग और सुंदरी के शाइन मौजूद थे। इससे मुझे मालूम हो गया कि सुंदरी का कातिल तू ही है। सिपाहियों हाँ जी हाथ कर ले आओ और शाम जाने यशपाल सिंह के हाथों में हथकड़ी लगाओ और उसकी वर्दी फौरन उतरवा लो। हराम जादे यशपाल सिंह कमीने, मुझे मालूम हो गया कि खून तूने किया है
और अंकल मेरी चकरा गई देख के खत्म दिन। अंकल मेरी चकरा गई देख के खत्म मजमून चौबे पाजी पुसले किया तुझने तुझने खून अर्श पर जाकर आग लगा दी किया तुझने खून अर्श पर जाकर आग लगा दी चौबे बाजी पुसले मेरी शान खटा दी चौबे बाजी पुसले मेरी शान खटा दी ना जिंदा रखूं तुझको मेरी औकात भुला दी और लानत है साबर कमीने अपनी सौगात लुटा दी और शक्ल आकर दिखलाई हा दिखलाई हा और तरसना तुझे कसाई मुझे सीख सिखाने आया मुझे सीख सिखाने आया और छीन अब सनी मिटा दू हस्ती चूनर में दाग लगाया मैं निर्दोष हूं ये खून किसी और ने किया सुंदरी मेरी पत्नी थी मैं अपनी पत्नी का खून नहीं कर सकता महाराज शाहर तौर से मुझको मारा जीने का छीना सहारा गया बचने का है कोई चारा नहीं महाराज मैं निर्दोष हूं सुंदरी का खून नहीं किया सुंदरी का खून नहीं किया शिवाजो महाराज इसकी वर्दी उतार लो तो हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़िया मुस्क बांधो न की बल्कि देरी करो मार हंटर से इसकी उड़ा खाल दो डाल दो जेल में अब देरी कृपाल सिंह महाराज महाराज को समझा दो महाराज क्रोध में हैं
समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जानता हूं कि महाराज सुंदरी को बेटी के समान मानते थे और सुंदरी का खून नहीं किया। मंत्री जी महाराज को समझा दो। यशपाल सिंह, यशपाल सिंह सम्राट सुंदरी को बेटी के समान मानते थे और जिस तरह से उनकी बेटी राजकुमारी गुलशन थी उसी तरह सम्राट सुंदरी को मानते थे। लेकिन सुंदरी और सम्राट के संबंधों पर तुझे शक हुआ कि सुंदरी और सम्राट के संबंध नाजायज संबंध है? नहीं, ये गलत है, ये सरासर गलत है। यशपाल सिंह वो खत गवाह बनकर के सामने खड़ा था और सुंदरी का शायन था, इसलिए सुंदरी का खून कोई दूसरा नहीं बल्कि तूने किया है। और फिर भी कहता है सम्राट को समझा दो। अरे क्या समझा दूं सम्राट को, सम्राट कोई नादान है? वाह, कौन सी चाल चल रहा है यशपाल सिंह? तो वाह, सम्राट को कैसे समझा रहा है? किसी दीगर बसर को है उलझा रहा। लाख कोशिश करने के बाद तू बच नहीं सकेगा क्योंकि सुंदरी के खून का इल्जाम तेरे ऊपर साबित हो गया है। यशपाल सिंह अब तू नहीं बचेगा और सुंदरी के खून के इल्जाम में तुझे सजा मिलेगी। अब बच सकेगा नहीं इस जुर्म से और शक्ल अपनी दिखाने यहां आ गया। सुंदरी का खून करने के बाद तुझे भी आत्महत्या कर लेना था लेकिन अपनी शक्ल दिखाने के लिए दरबार में आ पहुंचा कि सम्राट मेरे ऊपर जुर्म नहीं साबित कर पाएंगे। अपना जुर्म बचाने के लिए सम्राट के सामने गिड़गिड़ाने आ गया। सम्राट हे सुंदरी के कातिल को शक्त से शक्त सजा मिलना चाहिए। यशपाल सिंह मैं तुझसे कुछ और पूछना चाहता हूं। बोल, तेरा मासूम बेटा सुंदर कहां है? महाराज मेरा बेटा सुंदर मर चुका है। मैं समझ गया कि तूने अपने हाथों से अपने बेटे का खून किया और अपनी पत्नी का खून किया। दावे की साबूत कोई ना नहीं। सिपाहियों देर मत करो, इसकी वर्दी उतारो और उसके हाथ में सिर जाल कर इसे जेल में डाल दो। इसके चश्मे से ये सेनापति की वर्दी उतार लो, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़िया डाल दो, गले में टोंग डाल दो और ले जाकर के सलाखों के अंदर बंद करो। तब मैं देखूंगा यशपाल सिंह के बच्चे को,
सारी हेकड़ी भुला दूंगा। यशपाल सिंह, मैं चल रहा हूं, जाते वक्त अपनी सजा सुन ले कि तुझे इस जुर्म में 20 साल की सजा हुई है। सिपाहियों देर मत करो, इस हराम दादे को घसीट कर ले जाओ, इसे जिंदान में डाल दो। ठहरो। कान खोल करके सुन लो, हमारे खिलाफ बातें नहीं होना चाहिए। अगर जब मेरे खिलाफ बातें पैदा हुई तो याद रखो, ओए इसका अंजाम दर्दनाक होगा। सीने पर इतनी गोलियां मारूंगा। अगर जब मुझसे बगावत पैदा करने की कोशिश की, सीने पर इतनी गोलियां मारूंगा कि परिवार के लोग छर्रे पहचान गिनने से इनकार कर देंगे। ओए तुम लोग भी गालियां देना बंद कर दो, गालियां देना बंद कर दो। अगर जे गालियां दोगी, अगर जे मुझे गालियां दोगी तो मैं तुम्हारे घर में आग लगवा दूंगा, सारा घर जलकर खाक हो जाएगा, फिर जिंदा नहीं बचोगी। चौखट पे आओगी, ठोकर मार करके भगाऊंगा। याद रखना आलमपुराइन। सिपाहियों। जी सर। आज हम तुम लोगों को कुछ खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात सर। महाराज, मेरी बेटी गुलशन सयानी हो गई है, विवाह की काबिल हो गई है। इसलिए उसका ऐलान है कि जो कोई वर आएगा मुझे पसंद आएगा तो मैं उसके साथ अपनी शादी करूंगी, और अगर पसंद नहीं आएगा तो उसे अपने हाथों से उसके टुकड़े करके जमीन पर डाल दूंगी। बहुत अच्छी बात। इसलिए शर्तनामा मेन गेट पर टंगवा दिया जाएगा। ठीक सर। मैं चलता हूँ, मेरे हुक्म में तामील हूँ। ओ भाई जी। हाँ भाई जी। राजकुमारी जवानी में भरपूर है और 18 वर्ष की हो गई है, उसे अपने खूबसूरती पे बहुत बड़ा नाज है। कहा नाच है? नाच नहीं, नौटंकी है। कहा तो से यार? नाज है यार। नाज नाज। हाँ फिर? खूबसूरती पे नाज है। हाँ? जो लड़का अपने आप को खूबसूरती में लगाता हो, हाँ, वो राजकुमारी गुलशन के सामने आए, राजकुमारी गुलशन अगर उसे पसंद कर लिया, हाँ, तो राजकुमारी गुलशन के साथ उसकी शादी हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। अगर ना पसंद किया तो राजकुमारी का खंजर और उसका गर्दन होगा। यानी ना पसंद किया तो राजकुमारी का खंजर और उस लड़के का गर्दन होगा। दो शर्तनामा तैयार करो। शर्तनामा? हाँ, एक शर्तनामा बड़े फाटक के सामने लगा दो, और एक महाराज जी के चमन में। बहुत अच्छी बात। अभी शर्तनामा तैयार करता हूँ। शर्तनामा तैयार की जाए। हाँ। पत्र का मजमून, शाह सत्यजीत सिंह चुनारगढ़ कि महाराज की बेटी राजकुमारी गुलशन जो आज 18 वर्ष की हो चुकी हैं, उन्हें अपने खूबसूरती पे बहुत बड़ा नाज है, और जो लड़का अपने को खूबसूरत लगाता हो वो राजकुमारी गुलशन के सामने आए, अगर राजकुमारी गुलशन ने उसे पसंद किया तो उस लड़के के साथ शादी कर दी जाएगी।
अगर राजकुमारी गुलशन ने उसे न पसंद किया तो उस लड़के की गर्दन और राजकुमारी का खंजर होगा। सा सत्यजीत सिंह चुनारगढ़। ठीक, ऐसा करो कि क्या आप फोटो कॉपी कराओ रहा हो? फोटो कॉपी हाँ, हमारे कंप्यूटर में डाल दो। कहा तुम्हें स्कूटर में डाल दे? स्कूटर नहीं, कंप्यूटर यार। कंप्यूटर में? कंप्यूटर सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा अच्छा रुक। ए भैया। हाँ भैया। बहुत बढ़िया छपा है यार। हाँ। ऐसा करो एक कि एका तुम फाटक पटांग दियो, फाटक में डाल दे, और एका हम जाए जब महाराज के चमन में उसको टांग देते हैं गेट पे। ठीक है। हाँ? या अल्लाह पाक, या परवरदिगार, ये क्या दिखा दिया तूने मेरे को? मैं क्या था और क्या से आज क्या हो गया? एक जमाना था मेरा कि मैं बारे गांव का जमींदार कहलाता था। जिस रास्ते से निकलता था लोग रास्ते को छोड़ दिया करते थे, जिस मोहल्ले से गुजरता था लोग चारपाइयों को छोड़ दिया करते थे, और आज एक एक दाने के लिए मोहताज कर दिया। आखिर एक हिंदू से मुसलमान बन करके भी मैं अपने दोस्त का एक छोटा सा काम ना कर सका। क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? मैंने नूर नहीं रखा कि तेरी हम नहीं की मैंने, कि मैंने तेरे किताबों को नहीं पढ़ा, कि तेरा जिक्र नहीं किया? मैंने क्या नहीं किया? फिर किन गुनाहों की सजा दे दी मेरे को इतनी बड़ी? इससे तो बेहतर है मेरे को मौत दे दे मालिक, मौत। बेटा, बेटा सरवर मर गया, बेटा मर गए, बेटा। आया अबू जान। क्या बात है अबू जान? आप बेटा मैं कुछ नहीं, बेटा मेरे नसीब का खेल है। मैं कुछ कहना चाह रहा था लेकिन अब मेरी जुबान में वो ताकत नहीं है बेटा कि मैं कह सकूं। क्या कहना चाहते थे अबू जान? कुछ भी नहीं चला जा रहा बेटा, और खाने के लिए एक भी दाना नहीं है, एक भी दाना नहीं है। अबू जान, आपने मुझे बचपन से शेपाल कर सयाना किया है, अब आपकी उम्र मांगने की नहीं है अबू जान। अबू जान, अब मैं सयाना हो गया हूँ, आज के बाद आप कहीं नहीं जाएंगे, आपका ये बेटा सरवर खुद भिक्षा मांगने के लिए जाएगा। अबू जान, ये क्या कह रहा है बेटे तू? अबू जान, अब की मांगने भी मुझी को है जाना। जी
अब्बूजान, मेरा बच्चा भीख नहीं मांगेगा। नहीं अब्बूजान, मैं किसी के सामने अपने बच्चे को हाथ नहीं फैलाने दूंगा। भीख मांगू दूंगा तो मैं मांगूंगा, मैं अपने बेटे को किसी के दरवाजे नहीं जाने दूंगा। नहीं अब्बूजान, नहीं जाने दूंगा। अब आपकी उम्र नहीं रही जो कि आप भिक्षा मांग कर मुझे पाल पोस कर अब मुझे आप खिलाएं। अब्बूजान, अब मैं खुद भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा और रोटियां बनाकर मैं आपको खिलाऊंगा। अब्बूजान, मैं खिलाऊंगा। बेटा, जब तू जिद ही करता है तो जा मेरे लाल, लेकिन याद रहे राजा की हवेली की तरफ मत जा। मैंने कुछ सुना है, मुझे डर सा लग रहा है। बेटे, राजा की हवेली की तरफ मत जाना। बेटे, कहीं भी भीख मांग लेना, लेकिन राजा की हवेली की तरफ मत जाना। और चाहे यहाँ रहना बेटे, नमाज कज़ा ना होने पाए, नमाज किसी भी हालात में माफ नहीं है बेटे। ठीक है, अगर ईमान की दौलत है बेटे तो सब कुछ है, और ईमान की दौलत नहीं है तो कुछ भी नहीं है बेटे। और उस सच्चे मुर्शिद के तुम लाल फरेज़ंद हो। सच्चे मुर्शिद के तुम लाल फरेज़ंद हो, सच्चे मुर्शिद के तुम लाल फरेज़ंद हो। और चंद्र मुख पे मधुर लाली माछा रही, चंद्र मुख पे मधुर लाली माछा रही, हटी के बावरे। और देखी तुझको फिजाए भी शर्मा रही, देखी तुझको फिजाए भी शर्मा रही। चाहे जहाँ रहना, अगर ईमान की दौलत तेरे पास कायम है तो सब कुछ है बेटे। दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर कभी बुरी नज़र मत डालना बच्चे। ठीक है अब्बूजान, चाहे जहाँ रहना, लेकिन मगरिब के वक्त बेटे जरूर आ जाना। हम दोनों बाप बेटे एक साथ मगरिब की नमाज अदा करेंगे। ठीक है अब्बूजान, हम कहीं भी रहेंगे लेकिन नमाज के वक्त हम आपके पास आ जाएंगे अब्बूजान। हाँ बेटे, जा मेरे लाल। अल्लाह पाक मेरा बेटा जहाँ कहीं भी रहे सारी बलाओं से महफूज रहे। कोई भी बला आनी हो मेरे बच्चे के ऊपर तो मेरे ऊपर आ जाए, लेकिन मेरा बेटा आए तो सही सलामत आए। सारी बलाओं से मेरे बच्चे को बचा करके रखना। शाहे मदीना सुनो इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे हबीबे खुदा खुदा के लिए। हुजूर गुल चाहे उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का गदा हूँ तो भीख मिल जाए। आ, 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 आ।
झोली भर दो झोली मेरी आ मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद मोहम्मद भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद कर में न जाऊंगा खाली लौट कर में न जाऊंगा खाली कुछ नवासों का सदका यता हो कुछ नवासों का कुछ नवासों का सदका यता हो घर पे आया हूँ बन के सवारी घर पे आया भर दो झोली मेरी या मोहम्मदी लौट कर मैं न जाऊंगा खाली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली कुछ नवासों का सदका यता हो नवासों का सदका यथा हो करके आया हूँ बन के सवाली करके आया हूँ आका मेरी बिगड़ी तकदीर संभालो चौखट पे बुला लो कि और मेरा कोई नहीं है यहां पर क्यों फकीर तुझे मालूम नहीं कि शर्तनामे में क्या लिखा हुआ है अगर तुझे भिक्षा ही मांगना है तो किसी दूसरे के दरवाजे मांग ले जाके एक मुट्ठी दाने के लिए अपनी जान मत दे क्योंकि शर्तनामे में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी लड़का अपने आप को खूबसूरती में लगाता हो तो राजकुमारी के समक्ष आए अगर राजकुमारी ने पसंद किया तो ठीक है उनके साथ शादी हो जाएगी और उनके तख्त वारिस का वारिस हो जाएगा अगर राजकुमारी ने पसंद नहीं किया तो राजकुमारी जी का खंजर और उस लड़के का सर होगा देवी जी हम फकीर को पढ़े लिखे से क्या मतलब है हम फकीर को पढ़े लिखे से क्या मतलब है मुझे तो एक चुटकी भीख चाहिए फकीर तू मेरा कहना मान ले तुम मुक्त में अपनी क्यों जान देना चाहता है लेकिन मैं यहां से बगैर भीख लिए नहीं जाऊंगा तो ठीक है अगर जिद ही करता है तो मैं राजकुमारी जी से इजाजत लेकर आ रही हूं राजकुमारी जी वो फकीर एक फकीर आया हुआ है वो दरवाजे पे खड़ा है और वो एक मुट्ठी दाने के लिए वो जिद कर रहा यहां से जा नहीं रहा राजकुमारी जी आपकी याद क्या है चांदनी क्या तूने ये नहीं बताया कि शर्तनामे में क्या लिखा हुआ है मैंने सब कुछ बताया लेकिन वो जिद कर रहा है कि बगैर भिक्षा लिए इस दरवाजे से मैं नहीं जाऊंगा अगर वो जिद करता है तो इजाजत है मेरे रूबरू
उसे मेरे महल में हाजिर किया जाए। जैसी आज्ञा हुजूर। फकीर, तू अभी भी मेरा कहना मान जा, क्योंकि न जाने कितने लड़कियां आए यहां पे, न जाने कितने लड़कियां अपने अपने आप को खूबसूरती में लगाते थे, लेकिन राजकुमारी से, राजकुमारी के खंजर से आज उनके मौत का निशाना बन गए। यहां से चला जा। इन बातों से मुझे क्या मतलब है, मुझे तो सिर्फ एक चुटकी भीख चाहिए। अगर फकीर तू जिद करता है, मेरा कहना मानता नहीं है, तो चल मेरे साथ है, मैं राजकुमारी के समझ ले चलता हूँ। जी चलिए देवी जी। हुजूर, क्या याद है इसके लिए? चांदनी, हुजूर मेरे पास आओ। चांदनी जाओ, कुछ देर के लिए यहां से चली जाओ। चांदनी यहां से चली जाओ। जैसी आज्ञा हुजूर। जा सकती हो। जब भगवान, आज मैं ये क्या देख रही हूं, इन्हीं हाथों द्वारा न जाने कितने खूने कर बैठू, लेकिन क्यों, क्योंकि कोई वर ना पसंद आने के वजह से। और आज और क्या देख रही हूं, क्या एक फकीर मेरे सामने, और मेरा दिल इस फकीर पे फिदा हो रहा है। शिव भगवान, मुझे क्या हो गया? बाबूजी, आइए मेरे पास आइए। सूरत तेरी देख कर दिल हो गया दिलगीर, तेरे हुस्न पे जान सार मैंने हर तोर से, मैंने हर तोर से अपना तुम्हें स्वीकार किया। मैंने हर तोर से अपना तुम्हें स्वीकार किया। तेरी तिरछी निगाह, तेरी तिरछी निगाह होने मुझे मार, तेरी तिरछी निगाह होने मुझे मार दिया। एक बार प्यार से सीने से लगा लीजिए ना। देवी जी, क्या बात है? आपको ये सब बातें करते हुए शर्म नहीं आई क्या देवी जी? और खता कौन सी आए करे, हमने किया हम शीर, और विधिना ने किस तौर से लिखा मेरी तकदीर। बाबूजी, मांगने भी खिचला, देवी जी मांगने भीख चला आया इस घराने में, मांगने भीख
मांगने भीख चला आया इस घराने में, सितम में फंसी गया, सितम में फंसी गया आके कैद खाने में, सितम में स्वीकार करो, वसले जाम को, वसले जाम को पीने से नंकार करो। पे टेढ़ी न तलब गार करो, नजर करी मेरे तो में मेरा समय भी निकल जाएगा, अभी मिल तो में मेरा समय भी निकल जा, ये लो समशीर मुझे मारे कर निहार, लो ये समशीर इश्क में इस कदर न भूत शर सवार करो, इश्क में इस कदर न भूत शर सवार करो, नजर गरीब पे, नजर गरीब पे टेढ़ी न तलबगार करो, नजर गरीब बाबूजी क्यों परेशान करते हो? देवी जी मान जाइए, आप मुझे खुद परेशान कर रही हैं। अपनी चाची को प्यारे न ठुकराई है, आरजू पे तरस मेरे कुछ खाई है, बन के भूपत मेरे साथ लूटो मजा डाल बहे गए, गौर तुमको चुनार की तख्त वारिश सुता, तुमको चुनार की तख्त का, तुमको चुनार की तख्त वारिश सुता, ये वतन दीन दुखिया भिखारी हूँ मैं, किस तरह से तुम्हारा और सजन मैं बनूं, दाने दाने को फिर ये भिखारी हूँ मैं, दाने दाने को देवी जी आप इस चुनार की तक तो वारिश की सुता हैं और मैं एक भिखारी हूँ, दाने दाने के लिए मैं मोहताज हूँ, इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ देवी जी। नहीं बाबूजी, ये आप क्या कहते हैं? बाबूजी, आप माने या ना माने, लेकिन मैं आपको अपना पति चुन लिया बाबूजी। नहीं देवी जी, अरमान मैंने पति आप को है लिया, मन
मेरे पतिया कोहेलिया मेरे पहलू उस बचे के न जा पाओगे मेरे पहलू तख्तवार से इनकार करके किया तख्तवार से इनकार करके किया ताऊ मर जेल के तुम सजा पाओगे ताऊ मर जेल के तुम सजा पाओगे जी। इसकी शहदी में हरगिज धरू ना कदम पाके मान से मेरा दामन भरा और मुश्किलें चाहे जितनी उठानी पड़े नहीं ये आप क्या कहते हैं मुश्किलें चाहे जितनी उठानी पड़े पर करूंगा नहीं माफ कर दो सजा बाबूजी नौजवान जब तक रहूं हाँ में हाँ मिलाएगा आराम करना खाना पीना जेल में ही पाएगा मिलने हमेशा आऊंगी मिलने हमेशा आऊंगी जेल में हर रात को कर दूंगी उस रोज रिहा मैनोस हो जब बाबूजी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ आप है मलिका सिकम की हर सितम कर लीजिए हाथ में तलवार ले सर को कलम कर दीजिए कसद है पहलू में तेरे मैं कभी ना आऊंगा इंतहा की ये घड़ी पास मैं हो जाऊंगा नहीं ये आप क्या कहते हैं देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मान जाइए ना बाबूजी अरुणाल मौज राजा अरुणाल मौज राजा हमरे चढ़ल बा जवानी उड़ाल मौज राजा मौज राजा उड़ाइल मौज राजा हमरे चढ़ल हमरे चढ़ल बा जवानी मुझे मालूम हो गया कि तुम ऐसे नहीं मानोगे चारी सैनी चांदनी जा इसके हाथ में हथकड़ी लगाकर जेल में छोड़ दी राजकुमारी जी इतना बड़ा चुर्म मुझ पर मत कीजिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ अभी वक्त है मान जाइए ना क्या देख रही हैं ले जाओ इसे जेल में छोड़ दे अरे वाह कितनी देर से
मनाते मनाते परेशान हो गई, लेकिन इन्होंने मेरी बातों को माना नहीं। अरे मानेगा क्यों नहीं, जब जेल में तड़पेगा और चिल्लाएगा तो मेरा कहना जरूर मानेगा। और अब तो मैं चलती हूँ महल, और कल तक इनसे मिलने के लिए जेल में जरूर जाऊंगी। अरे भोरे किन सुन के, भोरे किन सुन के, अरे पपेहरा की बोले, पपेहरा की बोले, चले मुर जवानी जैसे अभिनवा की बोले, चले मुर जवानी जैसे अभिनवा। हमारे इस चैनल भोजपुरी नाच नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं, ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।